चंडवा। क्या कर रही हो बेटा, ये पूरा फैला के। ओ माय गॉड, ये है मेरा सारा सामान। ए मेरा सब। लेकिन हमें थोड़ा इसके साथ केयरफुल रहना चाहिए। यार मिलेट, और ये है ऑर्गेनिक सुपर ग्रेन, ये है कीनवा, ये कीनवा है, और ये वाला है कोडो, कोडो मिलेट। तो और एक मैं लिटिल मिलेट लाई थी तो वो है, और ये जो बानियान मिलेट्स है सुंदर और डिलीशियस लग रही है। हे गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू बियॉन्ड माय लिमिट्स। अभी अभी मेरा काम हो चुका है ऑफिस का, और क्योंकि आज सैटरडे का दिन है तो मुझे कुछ खास काम होता नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो अब हम चलो देखते हैं कि परी मैडम हमारी क्या कर रही है। लेट्स सी, परी, ओह माय गॉड, क्या परी, क्या कर रही हो बेटा, ये पूरा फैला के इतना सारा। पढ़ लो फिर बोल देना। अच्छा क्यों कर रही थी? तो आप ये वो पूरे एनिमल्स के पिक्चर्स निकाल रहे हो? हाँ, ये है फिश एंड बट, आपको नहीं पता, आप चार्ज लाई थी। ये है, ठीक है ठीक है, आप अपना हॉलीडे होमवर्क करो। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने अपना क्या बोलते हैं, अभी मैं लंच करने जा रही थी, तो सबसे पहले मैं लंच में अपने ये सैलड, जो भी सैलड वैलड होते हैं, क्या क्या है जो भी है, हाँ ये खाना है मुझे पहले, और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सैलड वगैरह खाना। और सैलड खाने के बाद ही मैं अपना लंच शुरू करूँगी। तो एक्चुअली मुझे थोड़ा लेट हो गया, तो सबने लंच कर लिया है और मैंने ही बस लंच नहीं किया है। सो ये देखो, आपको कुछ दिखाओ, ये देखो क्या है, क्या है, दिख रहा है? ये क्या है पता, ये राइस नहीं है, दिस इज़ नॉट राइस। तो ये भी खाना है मुझे, ये राइस नहीं है, मैं आपको बताती हूँ क्या है ये। मैं, मेरे घर में सब खाते हैं राइस वगैरह, सब कुछ खाते रहते हैं, मैं ही हूँ पता नहीं, कुछ खास ये सब चीज़ें आजकल थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। और मैं क्या खाती हूँ मैं आपको बताती हूँ, खाती हूँ मतलब कुछ मिलेट्स लेके आई हूँ मैं, ये देखो ठीक है। आज मैंने ये मिलेट बनाया, ख़त्म भी होने वाला है, पहले से ही बना रही थी मैं। तो ये क्या है, ये है एक्चुअली लिटिल मिलेट्स, ये लिटिल मिलेट्स है, और ये 24 मंत्रा का है, 24 मंत्रा का लिटिल मिलेट्स है। तो मुझे नहीं पता इसको अब हिंदी वगैरह में क्या बोलते हैं, बट यस, मैं आजकल थोड़ा ट्राई कर रही हूँ मिलेट्स खाने का। तो मैं सुबह सुबह तो नहीं, हाँ दोपहर में मैं मिलेट्स खा लेती हूँ, और रात में, जैसा कि आपने मेरे पुराने वीडियोज़ में देखा होगा, जवार, बाजरा, रागी, वो सब के आटा में लेके आई हूँ, तो मैं वो खाती हूँ, उसकी रोटी बना के हम लोग खाते हैं और सबको खिलाती हूँ। लेकिन ये मिलेट्स कोई नहीं खा रहे घर पे, किसी को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तो खाऊंगी, तो मैं खा रही हूँ, बाकी लोगों के लिए मैं राइस बनाती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो बाकी लोगों के लिए तो राइस बन जाता है, बट मैं अपने लिए यही बना लेती हूँ, एक यू नो एक मुट्ठी बनाना पड़ता है बस, मेरे लिए काफ़ी हो जाता है, तो अपने लिए ये बना लेती हूँ। तो ये होता है मेरा लंच, ये मतलब यही सिर्फ नहीं खाती, मतलब इसके ना दाल सब्जी, ये तो ये है हमारा लंच। और फिर देखते हैं अभी आगे मुझे क्या क्या करना है, कि मैडम का मैंने सुना है कुछ काम भी कराना है, तो फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैंने ग्रॉसरी से थोड़ा सामान मंगाया था, ग्रॉसरी से क्या, अमेज़ॉन से ग्रॉसरी का सामान मंगाया था, तो आ चुका है, तो मैं अभी वही ओपन कर रही हूँ, देखते हैं क्या क्या सामान आ गया है। ये देखो, ये रहा, यहाँ परी भी बैठी हुई है, क्या कर रही है परी? मैं थोड़ा अपना ले रही थी, तो चलो ओपन करती हूँ मैं कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, ये है मेरा सारा सामान। मेरा सब भी आया। ये हिमालय का है परी का,
सोप ये परी यूज करती है। और क्या आया? ये मेरा सामान और मेडिमिक्स मेरा हिमालय जो हम यूज करते हैं। पता है मेरा कितना हेल्दी सोप है, आपसे भी ज्यादा हेल्दी है। और ये हमारा हैंड वॉश, और ये मेरा फेवरेट एप्पल साइडर विनेगर है ना, साइडर विनेगर। आप में से कितने लोग पीते हो? खोलो। मैं तो फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग पीते हो? दोबारा कुछ बताना मुझे। एप्पल साइडर विनेगर कौन सा है? ये टेप क्यों लगाया? सेंट बोटानिका का है ये। मेरा थर्ड एप्पल साइडर विनेगर का बॉटल है। हाँ। और मैंने कब स्टार्ट किया था? आई थिंक मैंने 2020 में स्टार्ट किया था, और बीच में फिर मैं ऐसे छोड़ भी देती थी। तो यस, तो ये देखिए इसकी पैकिंग। तो ये मैंने ऐसे खोला और ये ऐसे हटाया, और ये आया हमारा टिंटुडन टिंटुडन ग्लास बॉटल्स है। ये ग्लास बॉटल है, तो ये हमें ग्लास बॉटल का ही लेना चाहिए। मैं हमेशा ग्लास बॉटल का ही लेती हूँ एप्पल साइडर विनेगर, लेकिन हमें थोड़ा इसके साथ केयरफुल रहना चाहिए। जो ऑब्वियसली मैं रहती हूँ, ऑब्वियसली बात है, और क्योंकि हमें, और मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ, यहाँ वहाँ नहीं रखती। तो बस, इट्स नेचुरली फर्मेंटेड हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर जूस 2.5% एसिड। ये 500 ml का बॉटल है। 500 ml, तो ये मेरा फेवरेट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कभी आपको बताऊंगी मैं क्यों लेती हूँ, मुझे क्या डिफरेंस लगा इसे लेने से। तो मैं इसके लिए एक अलग से आपको एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें आप देख लेना कि एप्पल साइडर विनेगर मैं क्यों पीती हूँ। ठीक है, तो अभी तो ये आ गया, अब इसको रखेंगे। हे गाइस, तो अभी डिनर बनाने का टाइम हो गया है, इवनिंग के 6:30 हो रहे हैं, और मैं जा रही हूँ अपना डिनर बनाने। तो आज हमारा मन है खिचड़ी खाने का, तो मैं आपको बता दूँ मैं क्या बना रही हूँ। तो खिचड़ी मैं बना रही हूँ बान याद मिलेट का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कुछ मिलेट्स लेके आई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो मिलेट्स, आप एक बार देख। तो देखो यहाँ पे ये है बानयान मिलेट, और ये है ऑर्गेनिक सुपर ग्रेन, ये है कीनवा, ये कीनवा है, और ये वाला है कोडो कोडो मिलेट। तो और एक मैं लिटिल मिलेट लाई थी, जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है लिटिल मिलेट, जो मैंने दोपहर में बनाया था अपने लिए। तो अभी हम लोग खिचड़ी खाएंगे, तो मैंने सोचा कि मिलेट्स की खिचड़ी बना देती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने उसमें क्या क्या डाला है। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन कूट के रखा है, ये थोड़े आलू डालूँगी उसमें, दो आलू मैंने चॉप करे, और ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अनियंस, चिली, ग्रीन चिली, और ये हैं यू नो अनियंस के जो लीफ होते हैं पतले, तो वो है। और ये जो बानयान मिलेट्स है, इसके साथ मैंने मिक्स दाल मैं एक रखती हूँ, तो सारे दाल उसमें होते हैं। तो दाल और ये जो मिलेट है, दोनों को मैंने एक साथ सोक कर दिया थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा एक घंटे के लिए सोक करके रखा है मैंने। तो यस, तो आज मैं इसी की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। और अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी देखनी है, तो उसके लिए, अब पूरी रेसिपी तो मैं इसमें नहीं दिखा सकती, पूरी रेसिपी के लिए आपको मेरे दूसरे चैनल में जाना पड़ेगा, जिसका नाम है फूडी लाजवाब। तो मैं इसकी रेसिपी फूडी लाजवाब में डालूंगी, अगर आपको अच्छी लगे तो वहाँ से देख के घर में बना लेना, और ना अच्छी लगे तो भी ठीक, अच्छी लगी तो भी ठीक। तो मैं उस चैनल का डिस्क्रिप्शन, उस चैनल के बारे में, मतलब उस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या इस वीडियो का जो भी मैं अभी बना रही हूँ उसका लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे डालूंगी, आप देख सकते हैं, आप देख लेना, और आपको अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिसका नाम है फूडी लाजवाब। ठीक है,
तो अभी मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, तो बस आप बने रहे। तो ये हमारी रेडी है बार्नयार्ड मिलेट्स की खिचड़ी, देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा कर्ड लिया हुआ है और थोड़ा डेकोरेशन कर दिया है कर्ड का। तो ये हमारे बार्नयार्ड मिलेट्स की खिचड़ी है। हाँ, तो कैसे दिख रही है हमारी मिलेट्स की खिचड़ी? मुझे तो देखने में काफ़ी सुंदर और डिलीशियस लग रही है। तो ये प्लेट जो हमने बनाया है, ये मैंने परी के लिए बनाया है। एंड लेट्स सी परी का क्या कहना है। परी ज़रा चख के बताओ कैसा बना है। परी को वैसे मिलेट्स खाना पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं इन लोगों को ज़बरदस्ती खिला रही हूँ। जबरदस्त। वैसे ये मिलेट्स में जवार, बाजरा, रागी की रोटियां खा लेते हैं, बट ये पता नहीं है जो दूसरे मिलेट्स में लेके आए ना, ये नो बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये देखो परी यहाँ पे बैठी है। बताओ ना बब्बा, तो दही मिक्स करूँगा। अच्छा, तो कर्ड मिक्स करोगे? मिक्स करो, मिक्स करो, मिक्स करो। बताओ, एकदम कुकर से दे दोगी तो मुँह नहीं जलेगा, खाऊंगी तो बहुत गर्म है। फिर थोड़ा एक टेस्ट करके बोलती हूँ। याद नो, अनियंस भी नहीं कट रहे इनसे। अरे बहुत अच्छा। चिल्ली खा के बताओ लोगों को। करी चिल्ली खाती है? ग्रीन चिल्ली? ग्रीन चिल्ली खा सकते हैं वैसे। रेड चिल्ली मैं बहुत कम डालती हूँ, डालती हूँ ऐसा नहीं नहीं डालती, बट बहुत कम यूज़ करती हूँ। मेरे घर में रेड चिल्ली बहुत दिन तक चलती है। सब लोग ट्राई कीजिए, मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं सब ट्राई करो। सब ट्राई करें, सबको खाना चाहिए ना। तो चलो, हमारा तो हो गया है भाई डिनर रेडी। मम्मी ने जितने भी अभी मिलेट लाए, आई विल ट्राई टू ईट देम। गर्मी लग रही है। तो फाइनली हमारा डिनर रेडी हो चुका है, अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और आप भी जाइए अपने घर में, दही के साथ बनाइए, खाइए। और हमेशा ट्राई करिए कि रात के टाइम पे, रात का जो आप डिनर करें हल्का करें, लाइट खाना खाइए रात को। तो आई थिंक लोग बोलते हैं कि खिचड़ी लाइट होती है, इसीलिए मैं क्या बोलते हैं, खिचड़ी ज़्यादातर नाइट में ही प्रेफर करती हूँ। और हमारे घर में स्पेशली अगर आप सैटरडे के दिन आएंगे तो आपको रात का डिनर मिलेगा खिचड़ी। खिचड़ी ही खिचड़ी, चाहे वो चावल हो, खिचड़ी ही बनेगी डिनर। चाहे वो चावल की खिचड़ी हो या किसी और चीज़ की खिचड़ी हो, बस खिचड़ी ही आपको मिलेगी। सैटरडे नाइट का हमारा डिनर फिक्स होता है, दैट इज़ खिचड़ी। क्योंकि मेरे सिस्टर ऐसा बोलते हैं, एल्डर सिस्टर की, अच्छा होता है सैटरडे के दिन खिचड़ी खाना, दालें डाल के समथिंग, यू नो, स्पिरिचुअली उसको वो कनेक्ट करते हैं। तो अब जो भी हो, बस हम मानते हैं और हम करते हैं और हम बनाते हैं। और आप स्पिरिचुअली किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और आप हेल्थ वाइज भी अपने आप को ठीक रखते हैं ये खिचड़ी खा के। तो यस, स्पेशली सैटरडे नाइट हमारे घर का डिनर होता है खिचड़ी। तो यस, हमारा तो खिचड़ी बन गया, अब हम जा रहे हैं खाना खाने। होप आप भी अब ट्राई करेंगे अपने घर पे। यस, अगर आपको इस खिचड़ी की रेसिपी जाननी है तो आपको मेरे दूसरे चैनल को देखना पड़ेगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। और आप चाहे तो आप भी बना सकते हैं, खाइए और खिलाइए अपने फैमिली को, और हेल्दी रखिए एट द सेम टाइम। इसी बात पे तो सब्सक्राइब बनता है। पूरी खानी पड़ेगी देर। तो लाइक कर दो मेरे चैनल को, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मेरे पूरी लाजवाब चैनल जिस पे इसकी रेसिपी जाएगी, इस खिचड़ी की, उस चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और द प्रिंसेस परी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर करें। मैडम का भी एक चैनल है द प्रिंसेस परी। हाँ भाई, हाँ। तो यस, अब घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, फैमिली का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए। मैं फूडी लाजवाब।
चैनल में खाती हूँ, मम्मी के चैनल में आती हूँ और अपने चैनल में बनाती हूँ। तो बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे होम स्टे सेफ।